हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी। और आज हम करने वाले क्या क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर टू है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कर चुके हैं और यहाँ हम क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। राइट, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको कुछ दी हुई है पॉलिनोमियल्स, उसमें आपको क्या बताना है डिग्री। सबसे पहले हम डिग्री क्या होता है, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है हमारे पास में। सॉरी, यहां 3 है शायद। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है और यहां एक्स टू दी पावर 3 है। ठीक है, तो एक्स एक्स क्या है, वेरिएबल है, फाइ क्या है, कोफिशियंट है। तो एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पे हमारे पास में, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या है, 4 - y². अब यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल क्या दिया हुआ है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, वहां जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 2 है वाई की हाइएस्ट पावर, तो क्या हो जाएगा हमारा डिग्री, 2 हो जाएगा। ठीक है, फाइव टी माइनस रूट 7। ठीक है, यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, टी, यहाँ टी की कोई पावर नहीं दी, यहाँ टी दिया है हमें, टी की पावर कुछ नहीं दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पर, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है हमें 3, 3 में क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप सोचोगे यहाँ पे कि टी नहीं है या एक्स नहीं है तो इसकी वेरिएबल में 1 लिख दूँ या लिख, तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले जब यहाँ कुछ नहीं है ना तो यहाँ पे क्या, एक्स टू दी पावर 0 है, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 होता है ना उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी, हमें पूरी टर्म 0 नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ एक्स टू दी पावर 0 वाला पार्ट है ना उसे गायब करना है। तो एक्स टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम आगे के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे।